मजहब व मिल्लत से उठकर किसी के चर्च या गुरुद्वारे को या किसी के कब्रस्तान या किसी के मतलब के शमशान घाट को निशाना ना बनाए। मैं इतनी बात कहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर कहता हूँ कि इन लोगों को ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा यहाँ पे ऐसी कोई गलती ना करे। बस यही कहना है। दो गल कर मोहम्मद आलम आलम साहब, जब कल जैसे आपने बताया था मीडिया के सामने अटैक हुआ है, हमने भी वो चीज को देखा था, कवर किया था, अब कैमरे के सामने लाए के लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो अब आप क्या चाहते, क्यों माफी मांग रहे हैं वो लोग? सर हम तो यही कहेंगे कि हुई तो बहुत बड़ी गलती उन्होंने करी है, क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के जो ये ऐसे मसले होते हैं ना, ये बड़े नाजुक मसले हैं, ये बहुत इसको अगर तूल लग गया तो बहुत लंबा जाता है ये मसला। पर चलो अल्लाह का शुक्र है, हमें पुलिस पर पूरा और मीडिया पर भी भरोसा है कि मीडिया ने भी बेचारे ने हमारा बड़ा साथ दिया, बाकी हमें पुलिस वालों पर भी पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है, जानबूझकर की या अनजाने में कर दी, तो वो पुलिस वाले उनको देखेंगे, उनको वो सजा उनको कानून देगा। हमारी तरफ से तो ये है, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, लड़के कह रहे हैं गलती से हो गया ये हो गया, तो माफ़ करना भी कोई छोटी बात नहीं, माफ़ी मांगना भी बहुत बड़ी बात है। अगर माफ़ी मांग लेंगे तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, इस ये भी कोई उतनी बुरी बात नहीं है। तो क्या आप उनको माफ़ करने के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं? अभी तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये अपने नौजवान हमारे जो साथी हैं इनके साथ भी थोड़ी चल रही बातचीत, तो उसके बाद फिर बताएंगे आपको। फिलहाल तो हम इतना ही कहेंगे कि यहाँ नमाज पढ़ने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। तो अभी क्या चाहते हैं कि जिस तरह से वो कैमरे के सामने खुलकर आके कह रहे हैं कि हम लोगों को माफ कर दिया जाए, गलती से अनजाने से उनसे भूल हुई है, तो क्या आप उनकी जो उनकी माफी है उसको कबूल करते हुए क्या उनको माफ करना चाहेंगे? ये हम थोड़ा इस पर थोड़ी बात कर लेंगे, इस पर हम मशवरा करेंगे। हाँ जी, आप देंगे भैया, जिस तरह से कल ये एक्ट हुआ यहाँ इस तरह किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से आज कैमरे के सामने आकर उन लोगों ने कहा है कि अनजाने से उनको भूल से उनसे ये गलती हुई है? देखो जी, ये जो मस्जिद के साथ हमारे के साथ वारदात हुई है, और रही बात भूल की, तो भाई भूल इंसान से होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, भाई इंसान से होती है, लेकिन इसमें हम माफ़ करने वाले कौन है? ये तो उसने भगवान के साथ अल्लाह ताला के साथ गलती की, तो हम इसको ये जो इसने किया है, हम आपके माध्यम से आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी इसमें हम देख रहे हैं अगर जो भी बात होगी वो आपको आपके तहत हम बताएंगे। क्या आप कार्रवाई चाहते हैं या फिर जिस तरह से एक ऑप्शन उन्होंने दिया कि कम्प्रोमाइज़ जो है वो? देखो हमारे पास कम्प्रोमाइज़ के लिए कोई आया नहीं है, तो हम कैसे क्या हम इस बारे में कम्प्रोमाइज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो बाद की बातें हैं, पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है वो कार्रवाई चल रही है, वो चलने दे, अगर नहीं होगी तो उसके लिए हम कुछ। आप चाहते हैं पुलिस कार्रवाई जो है अपनी करे? हाँ हाँ, पुलिस कार्रवाई बिल्कुल करे जी, पुलिस कार्रवाई तो हम चाहते हैं, क्योंकि कानून ही है जो इंसान को एक सहारा देता है। इससे पहले यहाँ इस किस्म की कोई वारदात हुई? देखो आज तक ये कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ये पहली बार हुआ है, और विद प्लानिंग हुआ है। और रही बात आप कह रहे हो भी माफ कर दो, ये मेरे हिसाब से ये एक मिलिटेंट है, इसको माफी की काबिल ये है। थैंक यू। कुछ तुम बोलना आपकी मीटिंग हुई है यहाँ नमाज अदा करने? फुल मीटिंग नहीं हुई सर, हमारी नमाज हुई है। नमाज हुई है तो क्या? डेली नमाज पढ़ते हैं सर। तो क्या हुआ फिर नमाज में? यही हमारा यही मशवरा, जो नुकसान हुआ है वो आपको सबको पता है, जो मस्जिद में जो नुकसान हुआ है, जो वारदात हुई है मस्जिद में। चलो ठीक है, वो उसमें हम ये चीज चाहते हैं, जहाँ तो बात पूछ लो सरदार जी। जी जी जी, सुन रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, मेरी बैटरी इधर लो हो गई, आप क्या बात कर रहे हो? सर मसला ये जनाब कि हम मीडिया का शुक्र गुजार हैं कि आपने हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, वो भी हमारे भाई हैं। अगर इन जाने में उन्होंने
वो इस चीज को मानते हैं उस खुदा के आगे, उस भगवान के आगे जिसको वो मानते हैं, और वो चीज मानते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, तो उनको माफ करने वाला खुदा ही, ना तो मुझ पे ये दाम है, ना आप पे ये दाम है, ना और किसी पे कोई दाम है, उनको खुदा ही माफ करेगा। अगर खुदा माफ करेगा तो हम कौन होते हैं? क्या जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनको माफ कर दिया जाए, क्या आप शिकायत वापस लेंगे या कुछ ऐसा कोई प्रावधान बीच का बनाएंगे? सर अगर वो भी हमारे कठुआ के अंदर कभी ऐसी वारदात नहीं हुई। मेरे भाई ने ये सवाल पूछा था, ये पहली वारदात है काफी किसी मंदिर मस्जिद में, ये गुरुद्वारे में ये इस किस्म की वारदात नहीं हुई। किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? हम ये बात नहीं कि किसका हाथ हो सकता, हो सकता उनकी अपनी सोच हो सर, हो सकता उन्होंने अपनी किसी सोच के साथ गलती की, लेकिन अगर वो इस चीज का एहसास कर जाएंगे कि कठुआ एक बेमिसाल है सर, कठुआ में जो आपसी भाईचारा, जो आपसी हिंदू मुस्लिम आपसी भाइयों के अंदर, इसमें ये नहीं हम कहते कि हमें मुसलमानों को मस्जिद का दुख हुआ है, ये बात नहीं है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी शामिल हैं, उनको भी दुख हुआ है कि मस्जिद पे ये गलत काम हुआ, हमें दुख उस चीज का है, हमारे भाईचारे को जक पहुंचा है, हम ये चीज चाहते हैं आपके माध्यम से, आप मेरे भाई हो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप इसको और बढ़ाओ, क्यों कि आइंदा मेरा कोई नौजवान भाई, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो कभी भी किसी गुरुद्वारा मस्जिद और मंदिर के साथ कभी आंख उठा के नहीं देखे, ताकि उसके आगे मथा टेक के चले, चाहे वो मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मस्जिद। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सुनो सर, सुनो मेरी बात खत्म होने दो साहब, फिर मैं एक आपके माध्यम से एक बात और मैसेज देना चाहता हूँ कठुआ के निवासियों को, मैं अपने कठुआ के मुस्लिम और हिंदू भाइयों को, मैं अपने ईमान से बोल रहा हूं, मैं मस्जिद के दायरे में खड़ा हूं, कि हमारे कठुआ के अंदर कभी जितना, ये लखनपुर है ना, लोकल है ना हमारे, मेरे भाई लखनपुर के हैं, अभी मेरे साथ हमारे साथ हमदर्दी के लिए लखनपुर से आए थे ना भाई, बहुत दुख की बात है भाई, हमें बहुत दुख हुआ है। मैं कहता हूं उन मेरे भाइयों को जिन्होंने गलती की है, वो भी ये कसम खा लें, ये अपने दिल में एहसास कर लें कि आइंदा हमने कभी ऐसी गलती नहीं करनी है किसी भी तीर्थ स्थान से।